उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को नगर निगमों के महापौर के साथ संवाद किया। इस मौके पर स्वयं योगी ने कहा कि कोरोना काल में हम सबको विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने के लिए लोगों को जागरूक करते रहें और तीसरी लहर को रोकने के लिए अभी से जुट जाएं। उन्होंने महापौर से कहा कि वर्तमान समय में किसी एक सरकारी केंद्र को गोद में ले और वहाँ विकास कार्य का होना सुनिश्चित करें। इस मौके पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद थी। महापौर के साथ संवाद सीएम ने नगर निगमों के साथ संवाद किया और विशेष सावधानी बरतने को कहा है। कोरोना को लेकर जो तीसरी लहर है उसको लेकर अभी से तैयार रहने की भी निर्देश सीएम द्वारा दिए गए हैं। तो कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें और एक सरकारी केंद्र को गोद ले और विकास कार्य करने के भी निर्देश सीएम द्वारा दिए गए हैं। मेरी आप सबसे अपील होगी, लगभग 700 के आसपास आप सभी महापौर और चेयरमैन गण हैं और 12,000 के आसपास पार्षद गण हैं। आपके प्रत्येक के नगर निकाय में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा संचालित या तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं या सब सेंटर हैं या फिर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थित हैं। और मेरा आप सबसे अपील होगा कि आप एक एक सेंटर को गोद लें। गोद लेने का मतलब आपको अपना बोर्ड नहीं लगाना है। गोद लेने का मतलब कम से कम महीने में 2 से 3 बार वहां का विजिट करना, वहां की साफ सफाई को देखना है कि नहीं है, नहीं है या तो विभाग से नहीं तो अपने नगर निकाय के साथ जोड़ करके वहां साफ सफाई की व्यवस्था देखना, वहां की कनेक्टिविटी को ठीक करना, सड़क ठीक हो, जल निकासी ठीक हो, वहां जल जमाव ना हो, भवन के ऊपर कोई भी पेड़ पौधे ना उगे हुए हों, गंदगी ना दिखाई दे, भवन के अंदर जाले ना लगे हों। वहां पर डॉक्टर नियमित रूप से आते हैं नहीं आते हैं इसके बारे में जानकारी रखना, सीएमओ को और जिलाधिकारी को इसकी सूचना देना। कोरोना पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, हमने उसको अभी कुछ हद तक नियंत्रित किया है। छोटी छोटी लापरवाही, भीड़ ना होने दे कहीं भी, सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है उसका पालन करवाएं। बिना मास्क के कोई घर के बाहर ना निकले। हाई रिस्क कैटेगरी के लोग घरों में रहें। हम लोगों को टेस्ट करने के लिए और वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित करें। अगर ये सभी कार्यक्रम हम कर सकेंगे तो हम लोग कोरोना को पूरी मजबूती के साथ रोकने में हमें मदद मिलेगी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के अंदर कोरोना के खिलाफ जिस लड़ाई को पूरी मजबूती के साथ लड़ा जा रहा है, पहली लहर पर देश ने विजय प्राप्त की, सेकंड लहर पर विजय प्राप्त करने के नजदीक है और थर्ड वेव को आने के पहले ही हम नियंत्रित करने में सफल हो पाएंगे, इसमें टेस्टिंग और वैक्सीनेशन के कार्यक्रम में हम सबकी सहभागिता होनी चाहिए। यही आपको मिलते हैं। हम पश्चिम में जाएंगे तो पश्चिम में चिकनगुनिया के मामले देखने को मिलते हैं, पूरब के काश वाराणसी और उसके आस मिर्जापुर आदि क्षेत्रों में देखेंगे तो वहां कालाजार के मामले देखने को मिलते हैं, बुंदेलखंड में भी चिकनगुनिया से जुड़े हुए तमाम ऐसे मामले देखने को मिलते हैं जो कभी कभी व्यक्ति को, जब भी कोई व्यक्ति इसकी चपेट में आता है तो वह उसके लिए असह्य पीड़ा होने लगती है उसे। इसलिए सावधानी पूर्वक हम इन बीमारियों को आने से रोक सकते हैं। इसलिए स्वच्छता, सैनिटाइजेशन और फॉगिंग पर विशेष ध्यान देना, जल जमाव बरसात में न हो। इसी अभी से नाला है, नाली है, इन्हें डिसिल्टिंग करना, जितना भी सेट निकले उसको तत्काल वहां से हटा करके प्रॉपर निस्तारण उसकी करवा देना। अक्सर होता नाली की सफाई तो होती है लेकिन जो सेट होता है साइड में रख दिया जाता है, बाद में वह फिर उसी नाले में गिर जाता है तो सफाई का कोई मतलब नहीं होता। अभी से अगर आप इसकी व्यवस्था करेंगे, प्लास्टिक को, थर्माकोल को सरकार ने बैन कर रखा है, अगर आप भी अपने नगर निकाय में प्लास्टिक, थर्माकोल इन सभी को प्रतिबंधित कर दें, इनसे जुड़े इनके इनसे बने हुए बैग, इनसे बने हुए कप, प्लेट, ग्लास, ये जितने भी हैं, अगर इनको आप पहले से रोक देंगे तो स्वाभाविक रूप से नाली आधी से सफाई स्वयं हो जाएगी।